अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 1 आइसोटोप्स जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, आज हम जो शॉर्ट सिलेबस है उसके मुताबिक अपने लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो जो हमारा पहला लेक्चर है वो है आइसोटोप्स। पहली बात तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ लिखी है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और हमारा आज का टॉपिक है आइसोटोप्स। सबसे पहले ओरिजिन के आइसोटोप बेसिकली कहाँ से आया है। आइसोटोप्स वर्ड इज़ बेसिकली अ ग्रीक वर्ड। आइसो हम समझते आए हैं कि आइसो मीन सेम, एंड टोपोस, टोपोस मीन प्लेस, मीन्स सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। अगेन बेटर रिवाइज कर दूं कि ओरिजिन क्या थे, कि आइसोटोप का वर्ड कहाँ से मिला हमें। द वर्ड आइसोटोप इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड आइसो एंड टोपोस। आइसो, आइसो मीन्स सेम, एंड टोपोस मीन प्लेस, मीन्स सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट डिस्कवरी, ये दरियाफ्त कब हुआ। आइसोटोप्स वॉज डिस्कवर्ड बाय सोडे। इसको जिस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था उसका नाम बेटे क्या था, सोडे। मतलब सोडे नाम का साइंटिस्ट था जिसने दरियाफ्त किया कि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मेरे माइंड में आ गई, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टीज। जॉन डाल्टन की थ्योरी के मुताबिक हमने यही पढ़ा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव अ सेम प्रॉपर्टीज, लेकिन बाद में सोडे ने यह साबित किया कि कुछ हमारे पास ऐसी स्पीशीज की एग्जिस्टेंस है या ऐसे एलिमेंट्स में एटम्स की एग्जिस्टेंस है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सोडे सम द एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट्स हैव अ सेम एटॉमिक नंबर। उसने कहा बेशक आप एटम लें जो सिमिलर एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ एन एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या था, यूनिवर्स ऑफ एन एटम, जो एटम्स की यूनिवर्स है उसे हम कहते हैं एलिमेंट। क्लियर। अब देखिएगा, तो जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव अ सेम प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट अकॉर्डिंग टू सोडे द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसने कहा कि मियाँ जो आप कहते हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज़, तो उसने कहा जो सेम प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब की डिफरेंट होती हैं, और वो कौन सी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ से जो कंसेप्ट था जॉन डाल्टन की थ्योरी वाला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ऑल द प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर, वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, अगर आप तमाम एटम एक ही एलिमेंट के लें जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, विच इज़ नॉट कॉल्ड आइसोटोप, एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोटोपी। दोबारा सुन लें कि एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक ही एलिमेंट के एटम लिए जाते हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। अब मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसमें सबसे पहली चीज़ तो मैंने लिखा एग्जाम्पल्स। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो मैंने आगे मैंशन किया है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की तादाद हमारे पास कितनी है, 3, मीन्स हाइड्रोजन हैज़ अ 3 नंबर ऑफ आइसोटोप्स, और वो हमारे पास क्या हैं, H11, H12 एंड H13। ये हमारे पास आ गया जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। नेक्स्ट हमने देखा कार्बन, कार्बन के भी 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 612, 613 एंड 614, मीन्स कार्बन हैव अ 3 नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैज़ अ 3 नंबर ऑफ आइसोटोप्स। अब ऑक्सीजन के जो आइसोटोप्स की तादाद है वो भी कितनी है, 3 है, मीन सिंपल है कि इसके भी 3 आइसोटोप हैं, इसके भी 3 हैं, और वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास क्या थी, इनकी प्रॉपर्टीज़। फिर बाद में मैं दोबारा इसी लाइन पे आऊँगा, पहले आप ये ज़रा डिटेल में देखें। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स की बात करता हूँ तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमने ये कहा था कि एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जो चीज़ डिपेंड कर रही है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, मीन्स आइसोटोप्स हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है, क्योंकि आइसोटोप्स हैव अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखिएगा
कि आइसोटोप्स हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज आइसोटोप्स हैव अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, क्योंकि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम है। मैं इस केस में आ जाता हूँ, हाइड्रोजन की अगर मैं केस में आऊँ तो नज़र आ रहा है कि सब में जो इलेक्ट्रॉन है और सब में जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी वन है और इन सब में प्रोटॉन भी क्या है, वन है। देख ले एटॉमिक नंबर क्या बताता है हमें, एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और जब भी हम किसी भी एलिमेंट का या आइसोटोप का सिंबल लिखेंगे, हम एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। तो ज़रा गौर कीजिएगा, अब वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन की अगर बात करें, इस केस में अगर हम न्यूट्रॉन देखें तो जब हम वन में से वन को माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, ज़ीरो। यहाँ पर आ जाएं, जब आप वन माइनस टू करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, वन, और जब आप वन माइनस थ्री करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है, टू। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, ज़ीरो वन और टू, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या है, सेम है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ आ जाएं, इस केस में आप इलेक्ट्रॉन चेक करें या प्रोटॉन चेक करें तो वो आपको छः छः ही नज़र आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सिक्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सिक्स है, लेकिन जब हम मास नंबर की बात करते हैं हम क्या करेंगे, 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या आएगी, न्यूट्रॉन्स की तादाद इस वाले में हमारे पास अगर हम चेक करें जो फ़र्क है वो 6 है, तो यहाँ पर 6 आ गया। अगर हम 13 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास 7 आ गया, और अगर हम 14 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। सिमिलरली इसका आप खुद फाइंड करेंगे। अब बेसिकली बताने का मकसद था सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों है, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। नंबर टू हमारे पास क्या है, सेम पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है वो भी सेम है। उसकी रीज़न क्या है, पोजीशन को देखते हुए, ग्रुप नंबर को देखते हुए वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसके बाद है सेम एटॉमिक नंबर। वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि एटॉमिक नंबर सेम क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, सेम है। अब यहाँ पर आ जाए, फोर प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंट होने का मतलब है एटॉमिक मास डिफरेंट है। जब एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट होने का मतलब है न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। यहीं पे तो जो था हमारे पास कंट्राडिक्शन था कि अकॉर्डिंग टू बोहर ऑल द एलिमेंट्स हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मीन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन सोडे ने कहा ना ऐसा नहीं हो सकता। सोडे ने कहा कि आप एक ही एलिमेंट से दो एटम ले लें, आप चेक कर लें, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी बुनियाद पे हमने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डिपेंडेंस है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे, मास नंबर की डिपेंडेंस है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। तो हम कहेंगे हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मैंने लिखा है क्वेश्चन, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि आपने जब टॉपिक लिखना है, आपने जब ये टॉपिक नोट करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक टेबल बनाएं, उस टेबल में अपना क्वेश्चन नोट कर लें ताकि आपको पता हो कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन बनता है। तो मैंने क्वेश्चन क्या किया है कि वाई आइसोटोप्स हैव अ सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कि बेटे आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट होती हैं, तो क्यों होती हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा है और उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सबसे पहले बेटे आपने जब ये क्वेश्चन लिखना है तो आपने इसकी ओरिजिन बताना है, डेफिनेशन बतानी है, दो तीन एग्जांपल्स लिखने के बाद आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है अगर आपको दो नंबर चाहिए तो। उसके बाद मैंने ना ये टेबल बना के आप लोगों के एमसीक्यूज़ को हल करने के लिए, ये जो चीज़ मैंने बेसिकली यहाँ पर मैंशन की है ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ हैं, ये बात जहन में रखिएगा। अब एमसीक्यूज़ के लिए इधर मैंने एलिमेंट लिखा है, सामने उसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स लिखे हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास गोल्ड है, फ्लोरीन है और आयोडीन है, इनका एक आइसोटोप है। लिथियम के दो आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या नियॉन हो, इनके तीन आइसोटोप हैं। निकल के पाँच आइसोटोप हैं, कैल्शियम और प्लेटियम के हमारे पास छः आइसोटोप हैं। अगर हम बात करें कैडमियम की तो देखें 9 आइसोटोप्स हैं और टिन के 11 आइसोटोप्स हैं। तो तरतीब हमारे पास 1, 2, 3, 5, 6, 9 और 11 बन गई। ये था हमारा आज का टॉपिक आइसोटोप्स। हल्का सा फिर एक मिनट में मैं आप लोगों को डिटेल बता दूं। आइसोटोप्स में सबसे पहले हमने ओरिजिन बताना है कि ग्रीक वर्ड आइसोटोप्स, आइसो मीन सेम एंड टोपोस मीन जो हमने लेना है वो क्या लेना है,
सेम, और वहाँ पर हमने क्या लेना है, प्लेस, सेम प्लेस, द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। फिर डिस्कवरी किसने की, सोडे ने की, ये जेन में रख लें। फिर डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन में जाने से पहले ये भी लाजमी बताएं कि बोहर क्या क्या, सॉरी तुसे जॉन डाल्टन क्या कहता था। जॉन डाल्टन कहता था ऑल द एलिमेंट्स हैव एटम्स ऑफ, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव अ सेम प्रॉपर्टीज, यो ऑल द एटम्स हैव अ सेम प्रॉपर्टीज विच बिलोंग टू अ सेम एलिमेंट। वो एटम जो एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन सोडे ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। हमने डेफिनेशन ली, हमने एग्जाम्पल्स ली, फिर हमने प्रॉपर्टीज बताई कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल सेम है, और एटॉमिक नंबर सेम क्यों है वो भी मैंने बता दिया। फिर हमने वहाँ पर प्रॉपर्टीज देखी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि मास नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। फिर हमने वो क्वेश्चन सीखा कि व्हाई आइसोटोप्स हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन मैंने आपके एमसीक्यूज के लिए एक टेबल बना दिया। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।